नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान की दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे। हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे। राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच अब कई और पार्टियां एक्टिव हो गई है। एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट है तो दूसरी ओर सचिन पायलट का गुट है। दोनों गुटों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। इसी बीच अब बसपा भी राजस्थान में एक्टिव होने लगी है। वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कुछ बड़े फैसलों के संकेत दिए हैं। दरअसल बीएसपी राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने सोमवार को एक बैठक की जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी की राज्य इकाई के साथ बैठक की। इस संबंध में बसपा ने एक बयान जारी कर कहा कि बैठक में आनंद ने राज्यों को दो जोन में विभाजित किया है। पहले जोन में 16 जिले और दूसरे में 17 जिले आते हैं। आकाश आनंद ने पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और प्रदेश इकाई के प्रमुख भगवान सिंह बाबा को पहले जोन का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसके अलावा बसपा नेता अशोक सिद्धार्थ, सुरेश आर्या और सीताराम मेघवाल को दूसरे जोन की जिम्मेदारी दी जाएगी। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कांग्रेस की इस यात्रा का आज 20वां दिन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज दिन की शुरुआत मलम्पुरम से की। इस दौरान यात्रा में तमाम लोगों की भीड़ नजर आई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी ने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 20वें दिन मलम्पुरम के लोगों को अपने साथ जोड़ा। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा उन्होंने भारत से जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए आज मलम्पुरम में यात्रा शुरू हो गई है। आज लोग हाथों में कांग्रेस का झंडा थामे पूरे जोश के साथ रैली को आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश की राजनीति पर पकड़ मजबूत करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रही है। लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी इसके अहम मुद्दे हैं। बिहार के जमुई में शराब अधिनियम मामले में 3 दिनों से मंडल कारागार में बंद कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए घंटों हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने मंडल कारागार में मारपीट की है। ये है कि ये आदमी को सिकंदरा थाना पुलिस दारू पीने के आरोप में जमुई जेल में दे दिया और जमुई जेल के जेलर महोदय और थाना प्रभारी महोदय दोनों पीट पीट कर इसका हत्या जेल में ही कर दिया। यही मेल मामला है। क्या नाम है इनका? इनका नाम जयराम जाधव नाम है, गांव का नाम है पदमा हुआ, सिकंदरा थाना। किस मामले में इनको जेल लाया? इसको दारू पीने के मामले में बोलजबड़ी रात में सोया हुआ था, उठा के लेकर आया। कब लाए थे इनको जेल में? 2 दिन पूर्व। इनको फिर आपको कैसे पता चला कि इनको? हमको यहाँ से मैसेज जाता है सिकंदरा थाना में, मुंशी जाके कहता है कि आपका पिताजी का हत्या हो गई, मर्डर हो गया, हत्या हो गया, मारपीट दिया। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।